हेलो बेटा जी, आज की क्लास में मैं जो है एनसीईआरटी बुक के एक तो दो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 5 और 7 जो ज़्यादातर बच्चों के डाउट बनते हैं, ठीक है। दूसरा साथ में मैं इसी वीडियो में 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और यहाँ तक कि 13 और 15 इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व कराऊंगा। तो सभी ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना, ना है तो पूछते चलना। आर यू रेडी? बोलो हाँ। तो देखिए सभी, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ ध्यान दीजिएगा। अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स, इवेंट्स ए बी आर डिफाइंड एज बिलो। देखो अगर आपको किसी क्वेश्चन में नाम दिए गए हो, तो मैं आपको पहले तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट फिर से लास्ट क्लास का याद दिलाना चाहूंगा कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सीखा क्या था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये सीखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो है ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है, यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ फाइंड करनी होगी उसको मैं नाम दूंगा ए, अगर खुद से नाम देने की बात आएगी। और जो भी चीज़ गिवन होगी, गिवन हो, नॉन वर्ड दे दे, अकर्स वर्ड दे दे, तो जो भी चीज क्या होगी, गिवन होगी, नॉन होगी, अकर्स होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी, यानी ए बाई बी। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। अच्छा जी, जब बात आती है सर क्वेश्चंस करने की, तो बेटा मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपके डाउट्स के रूप में फिर से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस में यही ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे करूंगा, नहीं समझ आए तो मैं प्रॉपरली करूंगा। उसने पहले ना इसका मतलब समझो, उसने बोला फोर ऑन थर्ड थ्रो, और जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कौन है, बी, फाइंड किसकी करनी है, ए की। तो चला इस बात पे ध्यान देना, अगर हमें ए बाई बी निकालना है जब, तो ए बाई बी का फॉर्मूला ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डन। तो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, पर सेंस तो निकाल के रखेंगे ना कि यानी फोर जो है लास्ट में होना चाहिए, और लास्ट में जब फोर होगा तो उसके कितने इवेंट्स होंगे वो आपके सामने बने हुए हैं, क्लियर है। पर मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये बात मेन है कि 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो, और डाइस को कितनी बार थ्रो करा है, 3 बार, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनते हैं 216। तो अब कहानी क्या आती है कि 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो, तो 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो में कौन कौन आएगा, 651, 652, 653, 654, 656, ये क्लियर है? बोलो हाँ। और जब दोनों में कॉमन की बात आएगी तो वो ये इकलौता ये वाला इवेंट हो गया। सोचो क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 होना चाहिए और शुरू में 6 और 5 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो रहेगी 1/216, क्योंकि एक ही इवेंट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 6 इवेंट है अगर आप ध्यान से देखो तो 6 इवेंट के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, 6/216। तो एट द एंड आंसर क्या आया, 1/6 आया, समझ? बोलो हाँ। तो यानी एक की प्रोबेबिलिटी से मतलब नहीं है, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर जब दोनों सेंस को जोड़ा जाएगा तो दोनों को जोड़ने का मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन वर्ड की जब बात आती है तो आपको 6 आना चाहिए पहले पे, 5 आना चाहिए दूसरे पे, और 4 आना चाहिए तीसरे पे। तो भाई एक ही तो इवेंट हो गया, सारी बातें तो मैंने ही बोल दी, 6, 5, 4, आया समझ। अब बेटे एक ऐसा क्वेश्चन जो सारे बच्चों का ज्यादातर डाउट बनता ही बनता है, पर मैं उम्मीद करता हूं जब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन कभी भी डाउट नहीं बनेगा। रीजन, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन ही बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगा। क्या आप सब रेडी हैं? बोलो हाँ। चलिए तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया है, प्लीज तसल्ली से पहले समझना, सुनना, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। सपोज मेरे पास एक कॉइन है और उस कॉइन को मैंने टॉस किया, टॉस करते ही क्या क्या आता है, हेड या टेल। क्वेश्चन में बोला गया है अगर एक कॉइन को टॉस किया गया
टॉस करने पर अगर हेड आता है, शोज हेड, तो टॉस इट अगेन, और अगर कॉइन में टेल आता है तो आप डाइस थ्रो करोगे। अब मेरी बात समझना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना। आगे का क्वेश्चन तो पढ़ो ही मत, सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़वा रहा अभी आगे का क्वेश्चन, देखो भी मत, पाप लगेगा। ठीक है, रेडी? कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो उसने बोला, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। एक मिनट, उसने कहा अगर एक कॉइन को जब टॉस किया गया, या तो अगर हेड आता है या टेल आता है, अगर हेड आएगा तो उस कॉइन को फिर से टॉस किया जाता है, फिर से टॉस किया जाता है। अगर टेल आएगा तो उसके साथ क्या टॉस किया जाता है? डाइस को टॉस किया जाता है। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है हेड एंड टेल, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो अगेन, हेड के साथ, अब आप खुद बताओ, जब एक कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द शोज हेड, हेड के साथ क्या आ सकता है? हेड के साथ या तो हेड आ सकता है, हेड के साथ या तो टेल आ सकता है, टेल के साथ या तो वन, टेल के साथ टू, टेल के साथ थ्री, टेल के साथ फोर, टेल के साथ फाइव, टेल के साथ सिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया है। मैं रीड कर देता हूं फिर से एक बार, एक्सपेरिमेंट ऑफ अ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, अगर कॉइन हेड शो करता है तो उसको अगेन टॉस किया गया। तो मैंने क्या करा, सैंपल स्पेस बना दिया, यानी हेड के साथ या तो हेड आएगा या हेड के साथ टेल। अब मन में आएगा क्वेश्चन आपके, सर फिर से नहीं टॉस करेंगे, फिर से हेड आ गया? ना ना ना, अगेन एंड अगेन टॉस नहीं कर रहा है, वो एक ही बार टॉस कर रहा है। क्लियर है? एक ही बार टॉस कर रहा है। अब इसके बाद उसे कहा अगर, बट अगर कॉइन शो करे टेल तो थ्रो अ डाई। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सभी सुनना, समझना और फिर आंसर करना। सपोज यहां पे एक जीजी दिख रही है आपको, ठीक है? अब इन जीजी के पास सपोज एक चॉकलेट है, ठीक है? ये चॉकलेट ये दो बच्चों को देना चाहती है, छोटे छोटे नोना बाबू बच्चे आए, दीदी दीदी प्लीज मुझे भी ये चॉकलेट दो ना। तो दीदी को रहम दिल थी, दीदी ने कहा कि बेटा ये चॉकलेट तुम दोनों ले लो लो। तो बाय डिफॉल्ट ये दो चॉक, मतलब एक जो चॉकलेट थी, चॉकलेट एक ही है, तो दीदी ने दो बच्चों को दे दी। तो बाय डिफॉल्ट दोनों चुन्नू और मुन्नू, चुन्नू मुन्नू दिख रहे हैं बच्चे, चुन्नू मुन्नू जो बच्चे हैं इनको कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी? 1/2 और 1/2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दीदी यही सोचेंगी ऑफ कोर्स। पर अब कहानी थोड़ी सी पलट गई, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू ने अपनी चॉकलेट्स अपने दोस्त लोगों में दी। जरा समझना, इसके पास जो चुन्नू के पास आधी चॉकलेट थी, चुन्नू ने कहा यार मैं अपनी चॉकलेट इन दोनों जनों को दे देता हूँ, ठीक है? चुन्नू ने क्या करा, अपनी आधी चॉकलेट को दो जनों में दे दिया। तो अब कॉमन सेंस लगाना, आधी चॉकलेट जो थी दोनों, मतलब पूरी दे दी एक तरह से देखा जाए तो, आधी जो उसके पास थी, इस आधी को कितने जनों में दे रहा है वो? दो जनों में। जब आपने एक चॉकलेट को दो हिस्सों में तोड़ा था तो आपने टू से डिवाइड किया, तो ये अपनी आधी चॉकलेट को कितने हिस्सों में दे रहा है? दो हिस्सों में दे रहा है, यानी डिवाइड बाई टू। तो यानी इसको 1/4 और इसको 1/4 होगी। क्यों? क्योंकि 1/2 को जब मैं टू से डिवाइड करूंगा, यानी कहने का मतलब टू से, यानी इस तरीके से, तो 1/4 होगा। नहीं आए समझ? चलो मान लेते हैं मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, मुन्नू की बात करते हैं, मुन्नू ने अपनी चॉकलेट तीन जनों में दी। तो तीन जनों में जब देगा, ठीक है, तीन जनों में देगा तो हर एक को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी? 1/6, 1/6, 1/6। अगर सपोज ये अपनी चॉकलेट चार जनों को देता तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, क्यों? 1/2 का 4 से डिवाइड। अगर ये पांच जनों को देता तो अब आप बताओ आंसर क्या होगा? 1/10, 1/10। और इसी तरीके से अपनी हाफ चॉकलेट को 6 जनों में बांटेगा, तो 6 जनों में बांटेगा तो 6 से डिवाइड करके बांटेगा ना, छठा हिस्सा, यानी 1/12, 1/12, 1/12। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिविजुअल लेवल पे हमारे को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वली लाइकली नहीं बोला गया है। तो
तो मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन को वापस लाना चाहूंगा। इस ब्लैक मार्कर को मैं भी हटा दूंगा, पर पहले कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। एक्चुअली हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है और टेल आने की भी 1/2 होती है, ये बात पता है, बोलो हाँ। इस हाफ की जो प्रोबेबिलिटी है यानी 1/2, ये दो हिस्सों में टूटी तो ये 1/4 1/4 हो जाएगी इंडिविजुअल लेवल पे। इस आधे के कितने टुकड़े टूटे हैं? 6 टुकड़े टूटे हैं। तो हर एक की इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12। क्लियर है? बोलो हाँ। अब बेटा जी ध्यान दीजिएगा, यानी सैंपल स्पेस तो यही सब कहलाएंगे। सैंपल स्पेस तो एक तरह से देखा जाए तो यही है क्या? सैंपल स्पेस अगर इक्वली लाइकली होता तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाती, क्योंकि ये 8 बने हैं। T1, T2, T3, T4, T5, T6। क्लियर है? पर क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसे समझते हैं। पहले एक और चीज समझना। मान लो मैंने एक डाइस थ्रो करा जिसमें आया 1 2 3 4 5 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तसली से आंसर देना। मैं अगर आपसे कहता ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रेटर देन 4 की, ग्रेटर 4 की प्रोबेबिलिटी, तो आपका आंसर क्या होता? 5 और 6 का 2/6। पर एक्चुअली में पता है क्या होता है, इस अकेली की प्रोबेबिलिटी 1/6, इस अकेली की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों को जोड़ा जाता है जो कि 2/6 बनती है। नहीं समझ आया तो मैं तसली से बताना चाहूंगा। जैसे कि अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वहां पे प्रोबेबिलिटी, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताओ यानी T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप डायरेक्ट 2/8 नहीं बोल सकते। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है अलग और इसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल मिला के 2/12 कहलाएगी। क्लियर? अगर मैंने आपसे कहा कि अकेली सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ T6 की, तो 1/12 होगी। अगर मैंने कहा HT और T1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, HT का मतलब हो गया 1/4, T1 का मतलब हो गया 1/6, इन दोनों को मिलाकर के प्रोबेबिलिटी होगी। ये समझ आया? बोलो हाँ। इसी तरीके से सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं जो क्वेश्चन अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ए एक इवेंट है। अब बात आती है सर ए और बी किसे मानेंगे। क्वेश्चन अब आपके सामने पूरी तरह कंप्लीटली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था जिस चीज को फाइंड करना है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फाइंड करने वाली बात को, हालांकि मैं ये बात बताता नहीं हूँ फिर भी बता देता हूँ। फाइंड करने वाले को ए नाम दूंगा और जो गिवन वाली चीज होगी मैं उसको जान के बी नाम दूंगा। एक्चुअल में क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इसकी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले। तो ए फाइंड क्या करना है, द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी डाइस डाइस शो ग्रेटर 4, ग्रेटर देन 4, डाइस का जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं। और बी का मतलब है एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल, एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल, यानी एक टेल होना चाहिए। अब वेट, तो सबसे पहले इनके इवेंट लिखो। इसके अंदर इवेंट क्या है? T5 और T6। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी से भी लेना देना नहीं होता क्योंकि हमें ए बाई बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। वेट, अच्छा एटलीस्ट वन कॉइन शो टेल में कौन कौन आ गया? T1, T2, पहले तो HT लिख लेता हूँ, सबसे पहले पॉइंट पे HT दिख रही रहा, टेल आना चाहिए, कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो HT भी आएगा इसमें। और T1, T2, T3, ठीक है, T4, T5, T6, सबकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब जब दोनों इवेंट मैंने लिख ही दिए हैं तो ए इंटरसेक्शन बी भी हम खुद से लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? T5 और T6। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब T5 और T6 आ गया, अब क्या करूंगा प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, समझ आ रहा है ना? बोलो हाँ। ठीक है, तो वेट, T5 T6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब सुनो मेरी बात, चल पहले एक तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगी? एक तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1/12 + 1/12, आंसर आ गया 2/12। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए बी की प्रोबेबिलिटी हाँ लिख देता हूँ, HT की प्रोबेबिलिटी तो हो गई कितनी? 1/4। और बाकी T1 से लेकर के T6 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/12 1/12 1/12 1/12, वो भी 6 टाइम्स। ये समझ आ रहा है? बोलो हाँ।
यानी 1/4 प्लस 6/12, तो यानी 3 + 6 / 12 यानी 9/12। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी। और ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बोलो, 2/12, और 9/12 क्या आ गया डिवाइड में, तो आंसर क्या आया 2/9 आया बेटा, समझ बोलो। हाँ जल्दी बोलो विभा, ध्रुव, तृप्ति, ठीक है। अंश भैया का एक क्वेश्चन है फिफ्थ वाले एग्जांपल में बेटा, उसका आंसर ये है, जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे तो उसके बाद आप उसका भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, बड़े सैंपल स्पेस का, ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे आने वाले समय में फोर्थ एक्सरसाइज के बाद। यहाँ तक समझ आ गया बेटा, बोलो। हाँ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ तक तो चलो एग्जाम्पल्स थे, अब कुछ एनसीईआरटी 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जो ज़्यादातर बच्चों के कॉमनली डाउट्स बनते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 13, रेडी क्या आप इन सब क्वेश्चनों को समझने के लिए रेडी हैं। तो एक फैमिली है जिसमें मम्मी पापा और एक बच्चा, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, मम्मी पापा और बच्चा, इनको एक लाइनअप में खड़ा, एक लाइन में खड़ा किया, मतलब लाइनअप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो एक चीज बताओ, जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो एक फैमिली में तीन पर्संस हैं, मम्मी पापा और बच्चा, यानी मदर फादर और सन, तो कैसे दिखेंगे यानी एक लाइन में, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मम्मी मतलब मदर फादर सन दिख सकता है, या तो मदर सन फादर दिख सकता है, फादर सन मदर, फादर मदर सन, मदर वो सन, फादर मदर सन, मदर फादर, यानी अगर ये तीनों पर्सन एक लाइन में अगर एक पिक्चर क्लिक करी जाए तो पिक्चर क्लिक करते समय कहीं ना कहीं ये किस तरीके से दिखेंगे, या तो पहले मम्मी फिर पापा फिर बेटा, मम्मी बेटा पापा, ये छह तरीके हो गए मैक्सिमम, बोलो। हाँ फिर उसके बाद ई सन ऑन वन एंड और एफ यानी फादर इन मिडल, तो पहले ई का मतलब समझते हैं, ई का मतलब है क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सन ऑन वन एंड, यहीं पे आके क्या है बच्चे, सन ऑन वन एंड, यहीं पे आके क्या ही बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। सन ऑन वन एंड का मतलब क्या हो गया, या तो ये वाला यानी बच्चा जो होना चाहिए वो लास्ट में किसी एक लास्ट में होना चाहिए, ये वाला या ये वाला, यानी बच्चा किसी कोने पे फंसा हुआ हो, तो मदर फादर सन, फादर वो सन फादर मदर, ठीक है, सन मदर फादर या फिर फादर मदर सन, ये समझ आ गया। मैंने छः के छः इवेंट, चार छः में से चार इवेंट ऐसे हैं जहाँ पे सन ऑन वन एंड होगा। फिर दूसरा फादर इन मिडल, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फादर जो हैं वो कहाँ होने चाहिए, इन मिडल में होने चाहिए, यानी बीचों बीच बैठे हुए हों, तो बीचों बीच फादर कहाँ होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो फादर मदर सन या फिर सन मदर फादर, दो ही केस बनते हैं। इंटरसेक्शन अब हम खुद ही निकाल देंगे, ये कभी भी क्वेश्चन खुद से नहीं बोलता, ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद ही निकालना पड़ता है। अब इसमें क्या दिख रहा है भाई, दोनों ही कॉमन है, फादर मदर सन और सन मदर फादर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी जानते हैं हम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी जानते हैं हम, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ भी जानते हैं हम, जिसमें कि हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, ई बाई एफ चाहिए, जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया गया था। तो ई इंटरसेक्शन एफ यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे लिखेंगे, यानी 2/6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी 2/6, तो एट द एंड आंसर क्या आया 1, आया समझ बेटा, बोलो। हाँ डन है, वेरी गुड। नेक्स्ट अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन नंबर 10th पे। टेंथ क्वेश्चन एक्चुअली ना कई बच्चों का डाउट बनता ही है, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सभी जो है इस क्वेश्चन को पहले तसली से देखेंगे समझेंगे उसके बाद करेंगे, तो रेडी बोलो। हाँ
क्वेश्चन नंबर 10th मैं आपके सामने फिर से मौजूद कर देता हूँ पूरे क्वेश्चन को कंप्लीटली। चलिए सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चंस हैं अलग अलग। पहले तो एक डाइस ब्लैक एंड रेड, जब किसी क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर दिया ब्लैक एंड रेड, यानी इसका एक बहुत बड़ा खेल है। मेन क्वेश्चन पे आते हैं, मैं फिर पहले पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में उसने क्या बोला, सम ग्रेटर देन 9, यानी ये क्या करना है, फाइंड करना है। और मैंने आपको बार बार बोला था फाइंड करने वाले को क्या नाम दोगे, ग्रेटर देन 9। मैं सिंपल लिख देता हूँ, सम इज ग्रेटर देन 9 है इसका मतलब, ठीक है, पेयर ऑफ डाइज में। और रिजल्टेड गिवन दैट, गिवन वाले को नाम देना बी, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब बात आती है, सर ये ब्लैक कह रहा है, अरे तो तभी तो अब आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा कि ब्लैक पहले नंबर पे होगा और रेड दूसरे नंबर पे। अब आप इनकी पोजीशन चेंज मत करना, अदरवाइज वो फर्स्ट और सेकंड वर्ड भी तो यूज कर सकता था। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लैक बोला है तो इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। पहले मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज को, ब्लैक डाइस रिजल्ट टेड क्या इन अ 5। तो बेटा जी जिसका सम 9 से बड़ा हो, 9 भी नहीं होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए, तो उसमें तो क्या रहेगा, 10, 11, 12, यानी सम 10, 11, 12 हो सकता है। तो 5, 6 हो जाएगा, 6, 5 हो जाएगा, ये तो 11 के लिए हो गया, 5, 5, 4, 6, 6, 4, ये किसके लिए हो गया, 10 के लिए हो गया, और 6, 6। अच्छा जी रिजल्टेड 5 ब्लैक डाई, अब ब्लैक पहले नंबर पे हमने माइंड सेट कर लिया अगर, तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ये क्लियर है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कि दोनों में कॉमन क्या है, जब तक आप ये लिखते नहीं तो कॉमन भी नहीं बता पाते। तो मुझे पता है कि कॉमन में एक तो 5 6 है, एक 5 5 है, बस ये दो कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई, जबकि जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, फिर भी लिख दी है 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो 6/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2/36। तो एट द एंड प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए क्या थी, ए बाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36। तो एट द आंसर आंसर आ गया 1/3। आया समझ, बोलो हाँ। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं बेकार में क्यों रिस्क लूँ, आपको दूसरा पार्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। और बाकी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ, अगर कोई चीज़ नहीं कंफ्यूज आपको कंफ्यूज कर दिया तो आप दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को देख के समझ लेने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ला 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 ना 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 ची देखिए इसमें भी फिर से सेम बात करते हैं, ए नाम देंगे, बी नाम देंगे और ए इंटरसेक्शन भी खुद से निकालेंगे। तो ए यानी फाइंड किसको करना है, सीधा बोला उसने सम 8, ओके। फिर उसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, यानी गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड नंबर इन अ 4, यानी वही रेड डाई कहां पे ले लिया मैंने बाद में, तो रेड डाई
रिजल्टेड इन अ नंबर, रिजल्टेड रिजल्टेड फोर लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब सुनो भैया, सम इज़ एट में तो कौन कौन आएंगे, फाइव थ्री आएगा, थ्री फाइव आएगा, टू फोर सिक्स आएगा, सिक्स टू आएगा, और क्या आएगा बोलो बोलो जल्दी बोलो, फोर कोमा फोर आएगा, बस ये क्लियर है, बहुत अच्छे। अब दोबारा से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा रेड डाई, अब रेड को आपको किसी एक पोजीशन को देना होगा, बाद वाले को या पहले वाले को, तो मैंने पहले वाले को दे दिया, वो दूसरे वाले को रेड डाई को, फोर वन कोमा फोर, टू कोमा फोर, थ्री कोमा फोर, फोर कोमा फोर, फाइव कोमा फोर, सिक्स कोमा फोर, यानी रेड डाई फोर डिनोट करे। ओके और क्या हो सकता है, रेड डाई रिजल्टेड फोर, यानी बाद में फोर आना चाहिए, और कोई इवेंट जो आ सकता है बोलो, लेस देन फोर बोल रहा है वो। ओके मैंने सॉरी लैंग्वेज यहाँ पे नीचे गलती की थी, क्वेश्चन बोला है रिजल्टेड नंबर लेस देन फोर, लेस देन फोर। अब लेस देन फोर में क्या होगा, अब यानी कि लास्ट मतलब एक तरह से 18 इवेंट बनेंगे, 18 मतलब या तो थ्री आ सकता है लास्ट में, वन आ सकता है या टू आ सकता है, यानी कहने का मतलब वन कोमा वन, वन कोमा टू, वो वन पहले वन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, वन कोमा वन, टू कोमा वन, थ्री कोमा वन, फोर कोमा वन, फाइव कोमा वन, सिक्स कोमा वन, फिर क्या आएगा, अच्छा वन आ गया, वन कोमा टू, टू कोमा टू, थ्री कोमा टू, फोर कोमा टू, फाइव कोमा टू, सिक्स कोमा टू, फिर वन कोमा थ्री, टू कोमा थ्री, थ्री कोमा थ्री, फोर कोमा थ्री, फाइव कोमा थ्री, सिक्स कोमा थ्री, ये क्लियर है। अगर अब मैं इन दोनों में इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, तो इंटरसेक्शन में फाइव कोमा थ्री, सिक्स कोमा टू, और यहाँ तक कि बस ये दो इवेंट आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हो जाएगी हमारी 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी हमारी 18/36, एट द एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 18/36 डिवाइड बाय 2/36, 18/36, एट द एंड आंसर क्या आया, 1/9 आया 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 बोलो, हाँ आया, ये समझ आ रहा है ना बेटा, यस सर, ठीक है नेक्स्ट। ओके अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ तक तो चलो डाउट कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 जो ज़्यादातर कई बच्चों का डाउट बन जाता है, वो भी थर्ड पार्ट, आप बाय डिफॉल्ट 11th के बाकी पार्ट्स कर ही लेंगे, तो 11th का थर्ड पार्ट एक बार देखते हैं तसली से, जिन्होंने नहीं करी है ना वो उनकी खुद की बहुत बड़ी भूल है भैया, करा करो साथ साथ एक्सरसाइज, है ना। देखो पहले तो इसमें कई बच्चे इसलिए गलती कर बैठते हैं, सैंपल स्पेस उसने कहा एक डाइस थ्रो किया है, तो एक डाइस थ्रो करने पे क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, मैं आपके सामने क्वेश्चन को यहीं पे दिखा देता हूँ। सैंपल स्पेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फेयर डाइस इज रोल्ड पे, तो सैंपल स्पेस में ना गलती से भी 5 तक मत रोकना, एक डाइस जब थ्रो किया जाता है तो 1 से लेके 6 तक नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, ई क्या हो गया 1 3 5, ई क्या हो गया दे रखा है भाई, मैं थोड़ी लिख रहा हूँ 1 3 5, ई के बाद कौन आ गया जी और एफ 2 4 5 2 3 4 5, 2 3 4 5, और एफ क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 3, डन, ये क्लियर है ब्रो। हाँ अब वेट क्वेश्चन में एफ, एक तो दो क्वेश्चन है इसके, दोनों पार्ट में से एक पार्ट करके दिखाता हूँ, पहले ई यूनियन एफ बाई जी, क्या बोला मैंने, ई यूनियन एफ बाई जी, ई यूनियन एफ बाई जी कैसे निकालना है, देखो पता कंफ्यूज मत हो, आराम से पहले उसका एक सेंस है, उस सेंस को समझना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बेटा ई यूनियन एफ क्या होगा,
तो आप क्या ले, ई यूनियन एफ निकालो। ई यूनियन, यूनियन मतलब सारे, खुश है, तो ई क्या मतलब 1 3 5, एफ में 2 और आ जाएगा, बस ई यूनियन एफ आ गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, इन दोनों का एक तो इंटरसेक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी नीचे, प्रोबेबिलिटी नॉट अ बिग डील। पहले कहानी आ रही है ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जब जी करूंगा, यानी इन दोनों में कॉमन, जो इन दोनों में कॉमन आएगा जो मैंने मार्क करवाया है, तो कौन कौन आएगा, 2 3 और 5, ये कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3/6, टोटल 6 है क्योंकि, और जी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6। तो एट द एंड आंसर क्या आ गया, 3/4। ये समझ आया, कुछ गलत तो नहीं किया, 1 3 5 था, 2 3 था, 2 3 4 5 था, डन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट भी कर ही लेते हैं, कई बच्चों को कभी दिक्कत है, ई इंटरसेक्शन एफ और जी। एक तो ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी चाहिए, फिर सेम, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन जी के साथ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब कहानी कहाँ की अटकती है कि सर ये ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालेंगे, तो बेटा समझो, ई इंटरसेक्शन एफ पहले निकाल लो अलग से, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ 3 बस, है ना। और फिर मैंने इसको भी बोला कि ई इंटरसेक्शन एफ का इंटरसेक्शन जी के साथ, इसके चक्कर में कंफ्यूज मत होना, कभी गलती से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेन असली है इसको और इसमें कॉमन चाहिए अब, है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, 3 है अकेला, तो भैया प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1/6, जी की प्रोबेबिलिटी है 4/6, एट द एंड आंसर क्या आ गया, 1/4। आया समझ, बोलो हाँ, ई बाई, हाँ सही है, ठीक है, आ गया समझ, यस गॉट इट सर, यस सर। एफ कैसे लिया, ओके मैंने कौन सा गलत कर दिया भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग, एक मिनट, फादर मदर वाला तुम कह रहे हो मैंने गलत कर दिया, फादर मदर वाला, एक मिनट, मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा पढ़ाते समय, फादर इन मिडल, ओ मदर इन मिडल कर दिया मैंने बेटे, यार मैंने तुम्हारा मैसेज अभी देखा, चलो कोई नहीं, तो कॉन्सेप्ट तो सिखाना था वो तो समझ आ गया होगा, मदर फादर सन और सन फादर मदर, मैं यही भूल गया था कि एफ से डिनोट किया है फादर को, तो फादर इन मिडल, मैंने मिडल वर्ड का मैम ले लिया गलती से, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन बाय डिफॉल्ट 2 ही आएगा, ये दोनों ही कॉमन आ गए, आंसर सही आ गया बाय चांस की बात है, क्यों जी, आगे समझ, बोलो हाँ प्लीज, एक बार देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, आंसर सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है और कॉमन की वजह से प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, आगे समझ ध्रुव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 पे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, रेडी, बोलो हाँ, देखो पता है इस क्वेश्चन को करने का सबसे देसी तरीका क्या है, सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो, पहले आप एक बॉक्स बना लो, क्या बना लो, बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर इन सभी हिस्सों को तोड़ दो, एक डिफिकल्ट, इजी और ट्रू फॉल्स में, क्या इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में ब्रेक कर दो, जैसे मैंने पहले लिखा क्या ट्रू फॉल्स, ठीक है, तो
एक क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को आराम से पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, नहीं आएगा तो पूछते जाएंगे। रेडी? देखो अब क्वेश्चन में सबसे पहले बोला क्या गया है, पढ़िए सभी एक बार रीड कर लीजिए, मैं इतनी टेबल बना रहा हूँ तो आराम से। सबने रीड कर लिया? मैं आराम से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। उसने कहा एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स। एक तरफ तो उसने वर्ड यूज करा इजी, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं कितने हैं, 300 हैं। फिर उसने बोला 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स ही हैं पर डिफिकल्ट हैं। अगर आप नोटिस करो तो टेबल के अकॉर्डिंग यही पढ़ोगे ना जो मैंने लिखा है, इजी ट्रू फॉल्स 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू इजी कितने हैं, 500, और 400 कितने हैं डिफिकल्ट एमसीक्यू। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। ओके अब बस, अब 2 मिनट के लिए यहां तक अपने हाथों को रोक लीजिए और अभी बाकी का मैं नहीं पढ़ना। अब आपको मैंने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी से नहीं पढ़ना, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब आंसर देना। रेडी? अगर मैंने बोला एमसीक्यू टोटल, टोटल एमसीक्यू कितने हैं, एमसीक्यू कितने हैं टोटल 900। अगर मैंने बोला ट्रू फॉल्स टोटल कितने हैं 500, वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलता डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं 600, ऐसी टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस 1400, वेरी गुड। अब इसी तरीके से जब मैं प्रोबेबिलिटी बोलूंगा, मैंने कहा अगर इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बताओ सिर्फ इजी की, तो आप बोलोगे 800 डिवाइड बाय 1400। 800 डिवाइड बाय 1400 ही क्यों, क्योंकि 800 जो है उनमें इजी क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्योंकि भाई जिसका जितना सेंस उतना ही निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ लेते हैं अब, और फिर आप आराम से समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत क्लियर है, क्या यहाँ पे पढ़ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इज एन इजी क्वेश्चन, 2 मिनट इतना ही समझना, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो भैया इजी क्वेश्चन कैसे लिखोगे, इजी क्वेश्चन, इजी, इजी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन के बाद क्या कह रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होने पर, यानी जो चीज गिवन होती है उसे क्या नाम देते हैं, बी, यानी एम सी क्यू के होने पर। अब वेट, तो क्या आप एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बता सकते हो, इजी की प्रोबेबिलिटी 800 बाय 1400, जबकि चाहिए नहीं ऐसी बता दिया बस मैंने। एम सी क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एम सी क्यू की इसी तरीके से 900 बाय 1400, वेरी गुड। और अगर मैंने आपसे बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का जो सेंस निकलेगा वो निकलेगा इजी एम सी क्यू, यानी इजी एमसीक्यू यानी दोनों में कॉमन। इजी एमसीक्यू कौन है, इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू है 500, तो यानी प्रोबेबिलिटी इजी एमसीक्यू की क्या हो जाएगी 500, कॉमन क्वेश्चंस है दोनों में, तो प्रोबेबिलिटी हम हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें ए बाय बी निकालना है या बी बाय, तो हमें निकालना है ए बाय बी। तो a by b की probability होती है probability of a intersection b divide by probability of b, तो probability of a intersection b क्या आ गई 500 divide by 1400 divide by कितना 900, b की probability 1400, at the end answer क्या आ गया 5/9। आया समझ, बोलो हाँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ आया, वेरी गुड, आप सब आंसर देते चल रहे हो, वेरी गुड। मुझे ये चीज अच्छी लगती है जब आप आंसर्स देते हो, तो ठीक है बेटा देते रहा करिए, आपस में भी आपको पता रहेगा और मुझे भी दिखता रहेगा। ठीक है नेक्स्ट, ऑल क्लियर, ओ माय गॉड, थैंक यू दीदी, थैंक यू अंश भैया। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, एट द एंड लास्ट क्वेश्चन। पता है कराने को तो मैं भी करा सकता हूँ 15th क्वेश्चन, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप करना चाहोगे ट्राई, बोलो। 15th क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है जो सब अभी हमने करा था, ये पिक्स दिख रही है, जो अभी एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन नहीं करा था, बस मैं इसमें इतना हिंट देता हूँ, जब आप ए और बी के जो इवेंट लिखोगे ना, प्रोबेबिलिटी तो लिख ही लोगे, एक बार आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। बस इसमें इतना सा बात समझना, इंटरसेक्शन कुछ आएगा नहीं जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, बस एक बार आप करके देखना, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास आराम से इसको करा दूंगा। ये बात समझ आ गई, बोलो हाँ।
या करके दिखाना है तो बताओ, मैं तो करके दिखा दूंगा, जल्दी बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है करने में। हाँ जी करना है। तृप्ति, अंश, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो ना। चलो एक बार आप देख ही लो यार, क्या अलग से इसके लिए स्पेशली कोई क्लास लेंगे, बेटर है जिस बच्चे का डाउट है वो तो देख ही ले, और जिसको करना है ट्राई वो मेरी इतनी बातों में बोलते बोलते भी ट्राई कर लेगा। सही बात है। तो ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ थ्री कम्स अप। अगर थ्री के मल्टीपल्स आते हैं तो वो डाई को दोबारा उछालता है, जैसे कॉइन को उछाल रहा था ऐसे थ्री और सिक्स पर डाई को उछाल रहा है, और अगर उसके अलावा नंबर आते हैं, अब अलावा कौन से नंबर आते हैं, तो वन आएगा, टू आएगा, फोर आएगा या फाइव आएगा, तो उसके साथ कॉइन टॉस करता है। कॉइन वाला तो जल्दी बन जाएगा, टू के साथ है ना, फोर के साथ और फाइव के साथ, तो वन के साथ तो क्या आएगा एच, या वन के साथ हो गया टेल, टू के साथ एच, टू के साथ टेल, फोर के साथ एच, फोर के साथ टेल, फाइव के साथ एच या फाइव के साथ टेल, ये क्लियर है बोलो। हाँ तीन के साथ छह केस बनेंगे और सिक्स के साथ भी छह केस बनेंगे, इसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। जो मैं बना रहा हूँ ना ये प्रोबेबिलिटी में ट्री डायग्राम के नाम से जाना जाता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, ये प्रोबेबिलिटी को बनाने का तरीका होता है। ठीक है तो थ्री के साथ कौन आया, वन है ना, सैम्पल स्पेस इनडायरेक्टली दिख भी जाते हैं, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स, क्लियर है। अब बेटा जी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब की जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6, जो कि आपको बचपन से पता होगी है ना, यहाँ से इस अकेले की खुद की 1/6 है, वन आने की, पता ये बात है नहीं पता। अब 1/6 के कितने हिस्से हुए हैं, छह हिस्से हुए हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ से यहाँ तक की सबकी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोबेबिलिटी 1/36 रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की सबकी प्रोबेबिलिटी भी 1/36 रहेगी, क्योंकि छः के छः हिस्से यानी डिवाइड बाई छः, 1/6 के अब कितने हिस्से हो रहे हैं, दो हिस्से हो रहे हैं, तो यानी इसकी भी कितनी रहेगी अकेले की, 1/6 के दो हिस्से यानी 12, 1/12, 1/12 इन दोनों की अकेले की, अलग 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 है ये, कभी सोचो सबकी मिला के सबकी 1/12 यानी यहाँ तक हो गया। फिर लैंग्वेज वही बोलते हैं कि क्या गिवन है और क्या शो करना है, क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जब पढ़ा गया तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कॉइन शोज अ टेल, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द कॉइन शोज टेल, द कॉइन कॉइन शो टेल, सिंपल सी लाइन में लिख देते हैं, और एटलीस्ट मतलब कम से कम एटलीस्ट वन कॉइन शो थ्री। अब वेट, टेल शो करने पे कॉइन शो करे टेल, तो टेल में तो आ गया 1T, 2T, 2T, 4T, 5T, और जब थ्री के मल्टीपल थ्री या थ्री के मल्टीपल्स वो एटलीस्ट थ्री आए, तो थ्री के साथ तो वन, थ्री के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, थ्री के साथ फोर, थ्री के साथ फाइव, और थ्री के साथ सिक्स तो आएगा, साथ में सिक्स के साथ थ्री भी आ जाएगा। चलो अब जब बात आती है ए इंटरसेक्शन बी की, यहाँ खेल है, अब यहाँ तक तो आपको खुद से करना था, यहाँ से शुरुआत हुई, जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो फाइ आएगा, यानी कहने का मतलब हम चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी बता सकते हैं, वो आ जाएगी 4/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी बता सकते हैं, वो आ जाएगी 7/36, क्योंकि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/36 है, पर जब बात आएगी ए इंटरसेक्शन बी की तो वो हो जाएगी 0, और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है, ए बाई बी, यानी बी के होने पर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो गई 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी,
7/36, तो एट द एंड आंसर क्या आया? 0 आया। समझ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। जो भी आपके डाउट्स थे वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप कोई बात मेरे से कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 9891390139 वाले नंबर पे मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है? अपने डाउट्स जो भी हुआ करे पहले ही मैसेज कर दिया करो।